बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आज हमारे साथ है रिया सेन। फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में डेब्यू कर रही है, फिल्म लाइफ की हो एसी की तैसी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम। कैसी है फिल्म, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। लाइफ की ऐसी की तैसी ये एक कॉमेडी मूवी है और इसमें हम ब्लैक मनी और नोटबंदी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाए हैं। कितना ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? नोटबंदी बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, तो कितना कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए आप। मेरा कैरेक्टर इसमें घरेलू टाइप है, सीधी साधी लड़की हूँ और मतलब पति परमेश्वर वाली दुनिया में जीती हूँ। तो कहीं ना कहीं जाके मतलब मैं कैसे शादी करूँ, कैसे मतलब ये जो प्रेशर था मेरे तरफ से, मैं अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा प्रेशर डालती हूँ यार मेरे से शादी कर ले, तो वो चीज़ों का इफेक्ट ये नोटबंदी और ये सारी चीज़ों में आ गया। कहीं ना कहीं ये हम लोग दिखाए हैं मूवी में। ये फिल्म के कैरेक्टर को आप कितना रिलेट करते हैं खुद से पर्सनल लेवल में? पर्सनल लेवल पे कैरेक्टर पर्सनली मैं ऐसी ही हूँ, सीधी साधी ही हूँ और मतलब इतना नहीं है जैसे पति परमेश्वर और लव वो सारी चीज़ों में, पर्सनली वैसा नहीं हूँ। तो मूवी में तो कैरेक्टर है ही ऐसा, तो डेफिनेटली अच्छा गया है मतलब मूवी के। मैम नोटबंदी से कुछ दिक्कतें आई थी क्या आपको पर्सनल लेवल में? आपको नोटबंदी में दिक्कतें तो सबको आई है, सारे पूरा हिंदुस्तान को ही दिक्कतें आई हैं, सब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। पर एक अच्छे डिसीजन अगर है और उसको सपोर्ट, दिक्कतें तो होती ही रहती है, अगर अच्छे डिसीजन को लेकर आगे हमें बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे इस बात को। थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, हम कहीं ना मैं मैनेज कर ली, मैं क्या सब भी मैनेज कर लिए कि हाँ अच्छी कहीं ना कहीं ये जाके अच्छा मतलब रिजल्ट देगा हमें, तो हम सब ने मैनेज कर लिया, तो मैंने भी वही मैनेज कर लिया बस सिचुएशन को। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमें खबर मिली है जब आपने फिल्म साइन की तो बहुत ओवरवेट थे और फिल्म ख़त्म होते होते अंडरवेट वेट कंट्रोल हो गया और पूरे फिट एंड फाइन है आप। अभी आप ऐश्वर्या राय को भी टक्कर देने आ रहे? ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम एक्चुअली क्या है वेट बढ़ना और लूज़ करना ये तो नॉर्मल सी बात है। अभी क्या है सिचुएशन अगर है मतलब जैसे मैं उस टाइम इतना मेंटेन नहीं करती थी, खाने पीना हर चीज़ में ध्यान नहीं देती थी, तो कैरेक्टर में सूट कर गई जो इस मूवी में मुझे दिखाया गया है घरेलू टाइप, तो कैरेक्टर में कहीं ना कहीं सूट हो गई। फिर बाद में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर हो गए मुझे, एक के बाद एक मूवी मिल गई, तो डेफिनेटली मेरे पे बहुत प्रेशर हो गया। हाँ लोग मुझे बेटर ही देखेंगे, सेम चीज़ों में देखना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे मैनेज करना शुरू कर दी मैं अपने को। तो जैसे कि ये फिल्म का कैरेक्टर है कि बहुत ही घरेलू है, तो आप इस कैरेक्टर को पर्सनल लाइफ में कैसा, आप लव मैरिज में भरोसा करती है या अरेंज में? मैं अरेंज मैरिज पे ही भरोसा करती हूँ, लव मैरिज पता नहीं मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं पूरा अगर मैं कभी फ्यूचर में मैरिज करूँगी तो मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी। तो लड़का कैसा चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए लड़के में? क्वालिटी कुछ नहीं, बस साफ दिल का हो और सच्चा इंसान हो बस। पैसे वाला? नहीं पैसे वाले को कभी मैं सपोर्ट नहीं करती, पैसा तो क्या मैं भी कमाती हूँ उसमें क्या है, मुझे जो इंसान चाहिए ढेर सारा प्यार करे और सारी ज़िंदगी खुश रखे। इसके अलावा जो फिल्म है आपकी नई फिल्म है उसको लेके भी कई कॉन्ट्रोवर्सी है कि आपने बहुत कई बोल्ड सीन दिए है, तो कुछ दिक्कतें आए? ये मेरी नेक्स्ट मूवी आ रही है जो उड़िया में किया हुआ है, और ये जो मूवी की स्टोरी है ये मर्डर मिस्ट्री के ऊपर हमने दिखाया है मूवी में, तो इस मूवी में वो रिक्वायरमेंट थी कि मतलब किस सीन हो थोड़ा सा जो भी सीन वीन है उस मूवी में, तो रिक्वायरमेंट थी तो उसको मतलब दिक्कतें तो नहीं आया, क्योंकि एज एन एक्टर मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, मतलब ये मैं घरेलू टाइप की किरदार भी करूँगी, मैं बोल्ड किरदार भी मिले तो करूँगी क्योंकि मेरा काम है। किस करते वक्त फर्स्ट टेक में हो गया या आपको दिक्कतें आए, अनकंफर्टेबल हो या? नॉर्मली जब ऐसी सीन्स आते हैं होते हैं बहुत सारे मूवी में हम लोग देखे हैं कि ढेर सारा टेक जाता है, तो मैंने हमारा जो है हम लोग बहुत क्लियर कट थे कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ओके वन टेक में ओके करना है हमें, तो डेफिनेटली हम लोग पूरा प्लान करके वन टेक में ओके कर लिए हैं। तो जैसे कि आप बहुत ही फिट है, बहुत जनों को आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं, तो कुछ ऐसा टिप्स देना चाहे हमारे दर्शकों के लिए और सिर्फ मेरे को भी दे दीजिए कि मैं क्या करूँ कि अपना वेट लॉस करूँ। टिप अभी एक्चुअली क्या वेट बढ़ना और वेट लॉस होना, वेट लॉस तो हम इंटेंशनली करते हैं हाँ मैं फिट रहने के लिए, वेट बढ़ना नॉर्मल सी बात है, हम अगर फिट नहीं रहेंगे खाना अननेसेसरी इधर उधर की चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट बढ़ना तो बहुत मतलब जेन्युइन बात है, तो फिट रहने के लिए नॉर्मल सी डाइट को फॉलो करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, यही सारी चीज़ें। ऐसी चीज़ एक बता दीजिए जो आप करते हैं जैसे ट्रेनिंग में या योगा? हाँ मैं योगा करती हूँ प्लस जिमिंग भी करती हूँ, मॉर्निंग टाइम योगा करती हूँ और उसके बाद जिमिंग करती हूँ, काफ़ी सारे डाइट को फॉलो करती हूँ, फ्रूट्स पानी ये सारी चीज़ों जो है वो सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। और
ओके, इसके अलावा आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है 19 मई को, तो क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों को? 19 मई को रिलीज़ हो रही है हमारी मूवी लाइफ की ऐसी की तैसी, बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी बनी है और नोटबंदी के ऊपर है ये मूवी, तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा ये स्टोरी और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाया है। एक बार अगर लोग थिएटर को जाएंगे और देखेंगे मूवी को तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही लेंगे कि स्टोरी क्या है, तो डेफिनेटली लोगों को जाना चाहिए और देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी ये फिल्म सक्सेसफुल हो और आपके कैरेक्टर को लोग काफ़ी पसंद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुंबई से कैमरामैन राजेश कुमार प्रजापति के साथ किशलाल कुलियाल बॉल।